जेकेएलएफ के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। जेकेएलएफ चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा है।